वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ मीशो से एक शॉपिंग हॉल का वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी होम डेकोर के आइटम, ज्वेलरी एंड साथ ही साथ दिवाली के लिए स्पेशली कुछ चीजें। तो दोस्तों अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। मीशो के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ। तो दोस्तों मीशो जो है एक बहुत ही अच्छी ऐप है, जिसमें आपको क्लोथिंग आइटम बच्चों से लेके बड़ों तक की, लेडीज या फिर जेंट्स लोगों की सबकी क्लोथिंग आइटम मिल जाएंगी, किचन से रिलेटेड सामान मिल जाएंगे, होम डेकोर की चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी काइंड ऑफ वैरायटी है, ज्वेलरी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि आप खुद के लिए बाय कर सकते हो पर्सनली, या फिर आप जो है वहाँ से रीसेलिंग भी कर सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट्स बेच सकते हो घर बैठे बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड दोस्तों मीशो पे जो है कोई भी लिंक्स नहीं होती है, वहाँ पे ओनली कोड्स होते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ उन सबके कोड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप कोड्स वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बाय करना है और आपने अभी तक मीशो में साइन अप नहीं किया है, तो आप जो है मेक श्योर करें कि आप मेरे दिए गए साइन अप लिंक से ही साइन अप करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे ऊपर आपको मेरा साइन अप लिंक मिल जाएगा। उससे अगर आप साइन अप करोगे तो आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 20% से लेकर 100 रुपीज तक का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड डील। तो चलिए देख लेते हैं मीशो ऐप को किस तरह से आपने यूज करना है। डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको पेज ओपन होता हुआ दिखेगा, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको कोई कुर्ती जैसे कि आपको बेचनी है, किसी को सेल करनी है, तो उसके लिए आप जो है कुर्ती को सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके जो इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद में जो है आप व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर्स के साथ में, या फिर अपने जान पहचान वालों में, जहाँ पे भी आपको सेल करना है वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। और अगर आपको खुद के लिए बाय करना है तो आप अपना साइज सिलेक्ट कर लीजिए, एड टू कार्ट कर लीजिए, एंड उसके बाद में जो है आप किसी भी पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। आप सीओडी से पे, सीओडी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर पेटीएम वगैरह से भी आप पे कर सकते हो। तो आप जो है किसी और के लिए अगर परचेस कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से मार्जिन को जो है ज़्यादा लगा लीजिए, जो मार्जिन जो है जब वो प्रोडक्ट उनको डिलीवर हो जाएगा एंड कैंसिलेशन का पीरियड खत्म हो जाएगा, तो वो मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर आपको खुद के लिए परचेस करना है तो आप 1 रुपये का मार्जिन लगा के भी परचेस कर सकते हो, और सीओडी में भी परचेस कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन पे करके भी परचेस कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे परचेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इससे जो है प्रोडक्ट्स को अपने लिए भी बाय कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में कुछ होम डेकोर आइटम्स, ज्वेलरी आइटम्स। तो जैसे कि हम सब जानते हैं आने वाले टाइम में दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में हर कोई अपने घर को सुंदर दिखाना चाहता है, हर कोई अपने घर के लिए बेसिक चीज़ें परचेस करता है, कोई ज़्यादा कोई कम, हर कोई बट अपने घर को सुंदर दिखाना चाहता है, साथ ही साथ खुद भी सुंदर दिखना चाहता है। तो मीशो के काफ़ी सारे साड़ी के, कुर्ताज के हॉल तो मैंने आपके साथ में शेयर कर रही हैं, तो आज मैं आपके साथ में कुछ ज्वेलरी भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो ज्वेलरी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने इस पाउच के अंदर रख दी है, ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आई थी, कार्डबोर्ड पैकेजिंग था, तो उसको मैंने निकाल दिया एंड ये पाउच में मैंने रख दिया। एंड ये ज्वेलरी पाउच जो है इसका भी मैंने मीशो हॉल शेयर किया था, तो ये मीशो से ही लिया हुआ है। तो आपने अगर मेरे मीशो हॉल्स नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो मीशो का हॉल का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको सभी चीज़ों की वहाँ पे डिटेल मिल जाएंगी। तो ये वाला जो ज्वेलरी पाउच है ये बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर में मैंने ये ज्वेलरी रखी है, ये मैंने मीशो से बाय करी है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको परचेज करा था। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नेक पीस दिखाती हूँ। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत सा नेक पीस आप देख सकते हो, पर्ल का, और बहुत ही ज़्यादा इसमें जो डायमंड्स लगे हुए हैं, कुंदन लगे हुए हैं, स्टोन लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा है। एंड आप देख सकते हो इसमें जो ये मोतियों का काम किया गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड इस टाइप के नेक पीस जो होते हैं आप जो है किसी भी साड़ी, लहंगा, ड्रेस के साथ में वेयर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे डोरी आती है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, एक तरीके से ये चोकर नेकलेस ही आप बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको लिया है। इसकी कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको बाय करना है अफोर्डेबल प्राइस में कोई अच्छा सा नेक पीस। देन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इसकी इयररिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो ब्यूटीफुल इयररिंग है, बहुत ही प्यारी इयररिंग्स है, और जो लोग जो है हैवी हैवी इयररिंग्स पहनना पसंद नहीं करते उनके लिए जो है ये वाली इयररिंग्स परफेक्ट है, बिकॉज ये बहुत ही लाइट वेटेड है एंड साथ ही साथ बहुत सिंपल एंड एलिगेंट लगती है पहनने के बाद में। तो ये इसके साथ में इसकी इयररिंग्स आई है। नेक्स्ट जो मैंने नेक पीस लिया है ये भी मैंने पर्ल का लिया, एक्चुअली मुझे पर्ल जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो इसलिए जो भी पर्ल वाले होते हैं मैं वो फटाफट परचेस कर लेती हूँ।
तो नेक्स्ट जो नेकपीस है ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा था मुझे वहां पे, और ये बहुत प्यारा भी है। तो आप देख सकते हो ये जो है कुछ इस टाइप का नेकपीस आएगा, और ये बहुत ज्यादा सिंपल है। और यहाँ पे ये पिंक कलर का यहाँ पे ये स्टोन लगा हुआ है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पर्ल लटक रहा है, और यहाँ पे भी ये डोरी की डिटेलिंग है। एंड इसको मैंने 200 रुपए से भी कम प्राइस में मैंने इसको बाय करा है, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है पहनने के बाद में इस टाइप का नेकपीस, और मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत ही लाइट वेटेड है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। इसके साथ में आते हैं इसके प्यारे से छोटे छोटे, देख सकते हो ये बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे इयररिंग्स है। जो लोग लंबे इयररिंग्स पहनना पसंद नहीं करते उनके लिए ये वाली परफेक्ट इयररिंग है। और जो नेकपीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लाइट वेटेड है, और इसको आप दिवाली के टाइम पे या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए बाय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है पहनने के बाद में, एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड भी है। तो इस तरीके से ये जो पाउच है ज्वेलरी पाउच, इसका भी मैं आपको जो है कोड मैंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई ज्वेलरी रखने के लिए अच्छा सा पाउच चाहिए तो आप ये पाउच भी बाय कर सकते हो, एंड बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, आपकी ज्वेलरी जो है सिक्योर रहती है। तो ये आप देख सकते हो मैंने इस तरह से रख दिया है, और ये खराब भी नहीं होगी इस तरीके से। तो इसकी भी जो कोड है वो मैं मेंशन कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं और मैंने क्या क्या बाय, जो मैंने बाय करा है ये मैंने बाय करा है एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए कवर। तो ये जो है बहुत ही प्यारा सा प्रिंटेड मैंने ये कवर बाय करा है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कवर है, एंड बहुत ही अच्छे से फिट हो गया था मेरी मशीन को। मेरी जो मशीन है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, एंड 7.5 kg की है। और अगर आपकी मशीन कोई भी ब्रांड की है, डजेंट मैटर, अगर आपकी मशीन जो ऊपर से ओपन, एक होती है जो नीचे से साइड से ओपन होती है, एक होती है जो ऊपर से ओपन होती है, मेरी वाली जो है ऊपर से ओपन होने वाली है, एंड 7.5 kg की। अगर आपकी वैसे ही LG में भी आती है, एंड बहुत सारी और ब्रांड में आती है, तो अगर आपकी मशीन जो है 7.5 kg की फुल्ली ऑटोमेटिक एंड ऊपर से ओपन होने वाली है, तो आप इस कवर को बेझिझक बाय कर सकते हो। इस कवर को मैं आपको मशीन में पहना के उसकी भी पिक्चर जो है आपको मैं डाल दूंगी, सभी डेकोरेटिव आइटम्स की पिक्चर जो है मैं आपके साथ में जरूर शेयर कर दूंगी। हो अगर आपको अपने वॉशिंग मशीन के लिए कोई अच्छा सा कवर लेना है तो आप भी बाय कर सकते हो दिवाली के टाइम पे, और बहुत सारे ऑफर्स भी चलते रहते हैं दिवाली के टाइम पे। तो इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, आप देख सकते हो, एंड प्रिंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला प्रिंट। तो ये मैंने वॉशिंग मशीन का कवर लिया है, एंड वॉशिंग मशीन को पहना के मैं इसका पिक्चर जो है आपके साथ में ज़रूर शेयर कर दूंगी इस वीडियो में। और उसके बाद में मैंने जो बाय करा है, ये मैंने बाय करा है एक कारपेट, और ये जो है कॉटन का कारपेट है। तो विंटर वगैरह के लिए अगर आपको अच्छा सा कारपेट लेना चाहते हो, जैसे कि सर्दियों के टाइम पे जो फर्श होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो हमें चप्पल पहन के घूमना पड़ता है, या फिर बैठने के लिए हमको दरी या फिर कुछ बिछाना पड़ता है ताकि हमको ठंड ना लगे या फिर बच्चों को ठंड ना लगे, तो उसके लिए जो है मैंने ये दरी बाय करी है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कॉटन दरी है, ब्लैक एंड वाइट कलर की, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। एंड मैं इसको आपको लगा के अच्छे से इसकी जो पिक्चर है वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो कि जो इसको लगाने के बाद में, बिछाने के बाद में जो इसका लुक है वो कैसा आता है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी दरी है, ये कॉटन की दरी है, तो आप इसको आराम से वॉश वगैरह कर सकते हो। इसमें जो है ब्लू कलर भी था और मैंने ये ब्लैक कलर लिया है, और भी आपको कलर मिल जाएंगे। बैक साइड से जो है कुछ इस टाइप की है, ये वाइट एंड ब्लैक, एंड फ्रंट साइड से ब्लैक एंड वाइट है। तो ये कुछ इस टाइप की कॉटन की दरी है, एंड इसका मैंने आई थिंक 550 या 500 के आसपास मैंने कुछ पे करा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं अभी। तो नेक्स्ट जो मैंने बाय करा था, ये मैंने बाय करे 5 कुशन्स इमोजीज के, और ये जो कुशन्स है ये आपने मेरे हॉल वीडियोस में देखे होंगे, जब मैं आपको ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ तो वहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं, तो ये आपने देखे होंगे, ये 5 है। वहाँ पर और भी काफ़ी सारे टाइप के कुशन्स थे, तो मुझे इमोजीज वाले जो कुशन्स थे ये बहुत पसंद आए थे, तो मैंने ये बाय करे। तो इसमें जो है 5 टाइप्स के इमोजीज के ये कुशन्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, एंड क्वालिटी जो है इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको सभी कुशन्स दिखा दे रही हूँ, तो यहाँ पे ये वाला कुशन्स भी है, और ये वाला स्माइली, एंड उसके बाद में ये रोने वाला, अगर आपके हस्बैंड झगड़ा करे तो आप ये फेंक के मार सकते हो, एंड उसके बाद में ये वाला। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे कुशन्स हैं, एंड मुझे इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है घर पे सजाने वाली, और दिवाली के टाइम पे सभी को चाहते हैं अपना अपना घर सुंदर बनाना, तो ये मैंने बाय करा है। नेक्स्ट जो मैंने बाय करा है, ये मैंने ज़रूरत के हिसाब से बाय करा है, और ये जो है मैंने ये बास्केट बाय करी है। ये जो है बर्तन सुखाने के लिए है, इसको एक्चुअली बर्तन स्टैंड नहीं है कि बर्तन आप लगा के रख दो, वैसी नहीं है ये, जैसे धोने के बाद में अगर आप एक सिंगल पर्सन रहते हो या फिर आपके बर्तन ज़्यादा नहीं होते तो देन आप इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये स्ट्रेनर आता है, जिसमें यहाँ पे जो बर्तन आप रखोगे गीले बर्तन, तो उसका जो पानी है डायरेक्ट यहाँ से निकल के बेसिन में चला जाएगा,
और यहाँ पे ये छोटू सा ये वाला दिया हुआ है, ये अटैच नहीं है, निकला हुआ है, तो इसको आप जहाँ चाहे वहाँ अटैच कर सकते हो। इसके अंदर में चम्मच वगैरह, छुरी वगैरह कुछ भी आप रख सकते हो, जो छोटी छोटी आइटम होती है डेलीकेट वाली। एंड यहाँ पे प्लेट्स लगाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये जगह दी गई है, जहाँ पे आप अपने प्लेट्स को अरेंज कर सकते हो स्ट्रेट। एंड यहाँ में कप्स वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हो, तो इसकी भी जो है पिक्चर मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी सामान लगा के, कि किस तरह से आप लगा सकते हो, किस तरह से ये यूजफुल है। तो अगर आप ज़्यादा लोग नहीं हो, ज़्यादा बर्तन नहीं होते, तो उसके लिए आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, कॉम्पैक्ट है। तो ये कुछ इस टाइप की है, और ये मेरे को चाहिए थी तो इसलिए मैंने ये बाय करी है, और काफ़ी अच्छी लगी। क्वालिटी जो है इसके प्लास्टिक की वो काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है बास्केट है, जो कि बर्तनों के लिए मुझे बहुत सही लगी। उसके बाद में मैंने लिया है बैल्कनी, या फिर अपनी खिड़की को अगर आप सुंदर बनाना चाहते हो, विंडो को या फिर बैल्कनी को, तो उसके लिए मैंने एक लाइट ली है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाली लाइट ली है, और इसको मैंने निकाला नहीं है एक्चुअली, मैंने इसको लगा दिया अच्छी तरह से, एंड उसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो है एक लाइट है, और ये थोड़ी और लंबी है, बट मेरी खिड़की जो है छोटी पड़ी थी, तो मैंने इसको वापस फोल्ड करके लगाया है। तो ये जो है यहाँ पे स्टार्स टाइप की लाइट बनी हुई है, कुछ लंबे स्टार है, कुछ छोटे स्टार है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटे स्टार है। तो ये काफ़ी सुंदर लाइट है, अगर आप बैल्कनी वगैरह में लगाने के लिए परचेस करते हो ना, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। एक्चुअली अभी रोशनी है, दिन का टाइम है, तो आपको बराबर समझ में नहीं आएगा, बट मैं रात को इसकी पिक्चर क्लिक करके आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो आपको समझ आएगा कि दिखने में कैसी लगती है। दिवाली के लिए अगर आप अपनी बालकनी के लिए, या फिर ड्राइंग रूम के लिए, किसी भी जगह के लिए अगर आपको कोई इस टाइप की लाइट चाहिए डेकोरेशन के लिए, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लाइट है। एंड इसमें जो है 7 टाइप के मोड्स होते हैं, तो आप अलग अलग चेंज कर सकते हो, 7 तरीके के मोड्स होंगे। तो ये अलग मैंने लगा रखा है, तो अलग अलग किस्म के मोड्स है, और ये येलो कलर की लाइट है, तो आपको जो है वहाँ पे येलो ही मिलेगी इसमें, और भी आप डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैंने जो बाय करी है वो येलो लाइट है। तो मैं रात की इसकी पिक्चर आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। ये थी मेरी मीशो की करी हुई कुछ शॉपिंग, जो कि मैंने होम डेकोर पे, या फिर घर की जरूरत की चीज़ों पे, या फिर दिवाली के हिसाब से करी है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ें बाय करनी हो, तो सभी चीज़ों की कोड्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।